हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोज एप्लीकेशन के वॉलेट की केवाईसी कैसे करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास बहुत भाइयों के कमेंट आ रहे थे, बोल रहे थे कि भाई मैंने अपने फादर के आधार कार्ड से पैन कार्ड से केवाईसी को कंप्लीट कर दी है, उसके अंदर मैं अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आप अपना अकाउंट ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या आप अपने आधार कार्ड से, या फिर आप 18 साल से ज्यादा हो गए या फिर कम है, आप उससे केवाईसी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेसर बताने मोज एप्लीकेशन के वॉलेट की केवाईसी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, बना रहना होगा आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल लास्ट तक। तो दोस्तों, अब वीडियो को कर लेते हैं सिंपल तरीके से स्क्रीन पर। तो दोस्तों, जैसे ही सिंपली आप स्क्रीन पे आ जाओगे, स्क्रीन पे आने के बाद अब आपको सबसे पहले मोज एप्लीकेशन को या फिर मोज लाइट एप्लीकेशन को, अब आपको इन दोनों एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। आने के बाद अब आपको केवाईसी कंप्लीट करने के लिए अब आपको एक ऑप्शन शो करेगा प्रोफाइल बार। जी हाँ दोस्तों, अब आपको सिंपली प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपकी प्रोफाइल का होम पेज खुल करके आ जाएगा। आने के बाद अब आपको यहाँ पर कॉर्नर की साइड पे थ्री डॉट शो करेंगे। अब आपको सिंपली थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे भी आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज शो करेगा। तो दोस्तों, जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब आपको एक ऑप्शन शो करेगा वॉलेट वाला। जी दोस्तों, अब आपको वॉलेट वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। आने के बाद अब आपको मैं बता देता हूं कि आपको केवाईसी करते समय आपको किस किस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि सिंपली मेरी जो केवाईसी है वो पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट है। कंप्लीट अब आपको कैसे करनी होगी? जी हाँ दोस्तों, अब आपको सिंपली रिडीम वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपको मैं बताऊंगा कि आप किसका पैन कार्ड यूज करेंगे, किसका आधार कार्ड यूज करेंगे, किसका बैंक अकाउंट ऐड करेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों, सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप आपको जैसे रिडीम वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको यहां पर एक एरो वाला ऑप्शन शो कर जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको सिंपली एरो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपको एक मिनट्स वाला ऑप्शन शो कर जाएगा साइड में। तो दोस्तों, अब आपको मिनट्स वाले ऑप्शन पे भी आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपको एक ऑप्शन शो करेगा केवाईसी वेरिफिकेशन। तो दोस्तों, अब आपको केवाईसी वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपको ये चार पांच ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। आने के बाद वो लास्ट वाला ऑप्शन शो करेगा हाउ डू लिंक माय पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, पैन कार्ड और आधार कार्ड उसी का ही होना चाहिए जिससे आप केवाईसी कर रहे हैं, यानी आपका अपना आधार कार्ड होना चाहिए, आपका अपना पैन कार्ड होना चाहिए और दोस्तों साथ ही साथ अपना ही बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। अगर दोस्तों आप पैन कार्ड और आधार कार्ड किसी और का यूज कर लेते हैं और बैंक अकाउंट आप अपना एड कर लेते हैं तो दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ जाएगा, यानी फेल्ड का ऑप्शन शो करेगा, तो आपका बैंक अकाउंट एड नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको ये वाली बात भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी होगी। अगर आप किसी का यानी आप अपने फादर साहब के से केवाईसी कर लेते हो और बैंक अकाउंट अपना ऐड कर लेओगे तो दोस्तों आपका बैंक अकाउंट कभी भी ऐड नहीं होगा, आपको अपने फादर साहब का ही बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। तो दोस्तों, अब आपको यहां से आ जाना होगा बैंक। बैंक आने के बाद अब आपको सबसे जो पहली ट्रांजेक्शन है वो आपको 200 की करनी होगी या फिर आपको उससे ज्यादा की कर लेनी होगी, इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें बता रखा है कि आप 200 से 1000 तक 5000 तक मिनट्स को आप विड्रॉल कर सकते हैं। जब दोस्तों आप पहले ट्रांजेक्शन कर दोगे, करने के बाद अब आपको एक ऑप्शन खुल करके आ जाएगा इस तरह का। जी हाँ दोस्तों, अब आपको सिंपली इस पे क्लिक करके आपको एड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। आने के बाद अब आपको मैं बता देता हूँ कि आप यहाँ पर किसी का भी आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पैन कार्ड की एंड आपको आधार कार्ड की कुछ भी जरूरत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, अपने फादर का अकाउंट ऐड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स का अकाउंट ऐड कर सकते हैं, यानी अदरवाइज आप किसी का भी आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच।